नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। बड़वानी जिले के नर्मदा पट्टी के किसानों ने रास्ते की मांग को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कहा रास्ता दो या मौत दो। एसडीएम ने रास्ते की मांग पूर्ण करने का दिया आश्वासन। ग्राम कसरावद एकलरा बड़वानी जिला मुख्यालय के नर्मदा पट्टी के ग्रामीणों सहित किसानों के द्वारा लंबे अरसे से सड़क की मांग को लेकर आज जिला मुख्यालय के कोर्ट चौराहे से एकत्रित होते हुए ढोल ताशों के साथ हाथों में बैनर लिए रास्ता दो या मौत दो के नारे का संदेश देते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहीं ग्रामीण रहवासी किसान भागीराम केवट ने मीडिया के समक्ष कहा कि वर्ष 2017 से आज दिनांक तक नर्मदा पट्टी के रहवासियों के आवागमन का रास्ता प्रशासन के द्वारा नहीं बनाया गया है, जिसको लेकर बावनबेड़ी से कालेबेड़ी खेत तक जाने के लिए रास्ता घूम के जाना पड़ता है। वहीं निजी जमीन से ट्रैक्टर ट्राली निकलने नहीं दी जाती है। नर्मदा का बेक वाटर होने के चलते आसपास खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण रास्ता घूम के जाना पड़ता है। वहीं बावनबेड़ी के रास्ते की मांग विगत 4 से 5 वर्ष से लगातार की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों के लिए रास्ता अभी तक प्रशासन नहीं बना पाया। हालांकि प्रशासन को हर बार रास्ते के लिए जागृत करना पड़ता है। वही आवागमन के लिए नाव के सहारे नदी पार करके स्वयं की रिस्क लेकर रास्ता पार करना पड़ता है। तकरीबन ऐसे 18 गांव हैं जिन्हें आज भी रास्ते के लिए प्रशासन से गुहार लगाए बैठे हैं। हालांकि बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनगर ने कहा कि कालीबेड़ी के किसान रास्ते के लिए आए थे, किसी कारणवश रास्ते का निर्माण कार्य स्थगित पड़ा था। संबंधित विभाग से चर्चा कर निर्माण कार्य आज से शुरू किया जाएगा। एमपी न्यूज कास्ट जिला ब्यूरो चीफ धमेंद्र केवट। बाई मेरा खेत कहाँ रहते छोटी कसरावद में। क्या समस्या है? मेरा ये है कि बेग वाटर में रास्ता डूब में गया है, उसके विरोध में मैंने आज रास्ता दो या मौत दो की रैली निकाली है। एसडीएम साहब के पास गए थे हम, हमने आवेदन दिया, एसडीएम साहब ने संतुष्टि वाला जवाब दिया, हम उनसे सहमत है। उन्होंने बोला कि 3 रोज में रास्ता हो जाएगा, अगर 3 रोज हम 8 रोज का समय देते हैं, अगर 8 रोज में नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल अनिश्चित धरना करेंगे। सर डूब क्षेत्र के किसान आए थे सर, रोड की समस्या, अन्य समस्या पूरी समस्या। आज डूब क्षेत्र के कसरावद और एकलरा और कालीबेड़ी गांव के किसान रास्ते को लेकर आए हुए थे। ये जो रास्ता यहां बनना है उसकी प्रक्रिया चल रही थी, ठेकेदार के द्वारा इसमें कुछ कारणों से विलंब हो रहा था। इसमें अभी संबंधित विभाग के अधिकारी और ठेकेदार से चर्चा की गई है। इसमें एकलरा रोड का काम हम आज ही चालू कर रहे हैं, ठेकेदार की मशीनरी आ गई है और संबंधित विभाग के और राजस्व विभाग की टीम वहाँ मौके पर जा रही है। और कालीबेड़ी और जो बावनबेड़ी है यहाँ का मार्ग का भी 3 दिन में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसको लेकर जो आवश्यक तैयारी थी और जो किसानों के बीच विवाद थे जमीन देने को लेकर, वो भी सॉर्ट आउट हो गए हैं। भागीराम केवट, ग्राम कसरावद का रहने वाला हूँ, किसान हूँ। क्या समस्या है? बावनबेड़ी से हमें घूम के जाना पड़ता है कालीबेड़ी होके खेतों में, हमारे खेतों में, और जो निजी जमीन है लोगों को निकालने नहीं देते, हमको ट्रैक्टर नहीं निकालने देते। बैकवाटर से समस्या? बैकवाटर से सब पानी भरा हुआ हमारे खेतों के आसपास। और हमारी समस्या ये है कि बामनबेड़ी के लिए हमको रास्ता देने के लिए शासन से मांग करी है। आज एसडीएम साहब से हमारी बातचीत हुई है और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 3-4 रोज के अंदर आपके यहाँ लेआउट जल जाएगा, रास्ता बनाना शुरू कर देंगे। सर 2017 से सब परेशान हो रहे हैं, 2017 से परेशान हो रहे सर। हमें बहुत परेशानी है ट्रैक्टर ले जाने के लिए। आज भी हमारे खेत में गेहूं बोना है, चने लगाना है, बाकी ट्रैक्टर नहीं ले जा पा रहे हैं। कितने गांव की समस्या है? कम से कम कसरावद की समस्या है और ये 15-20 गांव की सर। ये नर्मदा पट्टी जितने भी हैं उतनी सभी के हैं। इतने समय तक कैसे अपने खेती आना सर? हम क्या है सर, नाव से ले जाते हैं। हमारे पास नाव एक खरीदी हुई है हमने, उससे हम नाव से आवागमन कर रहे हैं। अभी क्या होना चाहिए? अभी सर ट्रैक्टर ले जाकर रास्ता चाहिए हमें, रास्ते के लिए हमें ट्रैक्टर कैसे ले जाएंगे सर, बोएंगे कैसे? एसडीएम साहब ने यह बोला है कि 3 रोज में हम आपका काम चालू करेंगे और रास्ता आपको दिलाएंगे। फिर भी काम चालू नहीं होता, रास्ता नहीं होता। सर अगर कभी नहीं चालू होता तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, यहाँ पर धरना देंगे कलेक्टर ऑफिस के यहाँ पर।